गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मम्पी डॉट राहुल। तो मम्मी और हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं और हम इधर से निकलते हैं फिर बात करते हैं। एक सेकंड, जूता पहनते दाओ। तुझे जितना पहन चुके लेकर क्या है ना, मतलब वहाँ पे धीरे बात कर रहे थे क्योंकि मायरा है, मम है, मम्मा और मायरा दोनों मम्मी का फोन देख रहा है और हम लोग ना बाहर निकल आए। घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो रहे थे और अभी देखे मायरा का हगीज खत्म हो गया और ना रात में सोते टाइम उसको पहना देते हैं हम हगीज, तो वही हगीज खत्म हो गया। रोटी लाना था तो पापा ना अभी कुछ काम कर रहे हैं, पापा को बोले थे, फिर हम दोनों बोर हो रहे थे घर पे, हम बोले चलो हम ही दोनों ला देते हैं। और मेरा क्लिप खो गया हमेशा की तरह, हम रबड़ से बांधे और इतना ढीला हो रहा है ना, मेरा बाल खुल गया है। आप लोग बोलो कि कौन है, ये है लक्ष्मी माँ, मतलब ये मेरी बहन का सास है, आमी और बंधु है बचपन में। हिंदी वाला तुम बोलो ना, ये मेरा दीदी है, अरे मेरा बहू का दीदी है, मेरा दीदी है, बहू का दीदी का सास है, मेरा बंधु है, मेरा समधी है। हैवी बोला था किंतु, और हम ना पैसा लेके नहीं निकले, यहाँ पे पानी पूरी वाला है, पैसा लेके भी नहीं ना। और ये दुखी दुकान है, आधे चीनी नहीं है इस दुकान में, आधा सामान नहीं रहा है, नहीं रखा है। तो हम लोग आगे थोड़ा सा जाएंगे और पानी पूरी वाला को देखते हैं, सही में पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। घर में बोर हो जाते थे हम, वैसे हम मतलब अभी ना यहाँ पे आधा तो आपको बंगाली में सुनने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा बोला नहीं है, मेरा आंटी है, मेरा आंटी है। हम घर में बोर होते, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा बाहर आते ना सब एक दूसरे के साथ बहुत गप करते हैं, मतलब घर के अंदर जब घुस के रहते तब तो बोर होंगे लेकिन थोड़ा सा बाहर आएंगे तो सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मतलब बैठते हैं अड्डा मारता है। एक वॉक का देख भी अगर पाल के ठीक अच्छे, तो पानी पूरी दुकान खुला है, हम इधर एकदम नहीं आने वाले क्योंकि हम पैसा लेके नहीं आए भाई। दिल थाम के उधर खड़े थे कि नहीं आएंगे पानी पूरी दुकान में, लेकिन आए, दिल नहीं मान रहा था मेरा, और आया हम लोग इतना लोग पानी पूरी खाने। माँ ओवर वॉकिंग क्या भी माँ बोलते कि माँ वॉकिंग বন্ধ করে দি ক্যামেরা অফ করকে तो अभी सुबह हो गया, हम बहुत पहले लेकिन कैमरा को चालू किए, लेकिन मतलब स्टार्ट किए, हमको लगा हम स्टार्ट किए लेकिन हम स्टार्ट नहीं किए थे और ऐसे ही बहुत देर तक बक गए। तो अभी सुबह सो के उठे कुछ देर पहले, फ्रेश हो गए हैं, मायरा फ्रेश हो गई है और मायरा अभी नाश्ता कर रही है, नाश्ता। देख रहे हो कैसे डांटती है हमको। तो हम आज आप लोगों को मेरा व्लॉग में एक सेफ से मिलाएंगे हैं। अब वो कौन है, थोड़ा सा दिल थाम के बैठी क्योंकि हम मायरा को ना नाश्ता करवा रहे हैं, इसीलिए छोला छा वेट करना पड़ेगा आप सबको। मम्मा एक बार बोलो ओके, ताप बोलो ओके, आय बोलो ओके। तू हमको डांटती क्यों गंदी बच्ची, खटा खटा। तो मायरा को हम ब्रेकफास्ट करवाने के बाद हम आपको नया सेफ से मिलाते हैं। ओ दीदा तुम कैमरा कत सुंदर लगछो। तो कि ग्रामीण मानुष एरकम ही थाके। तो जो सेफ से मिलाना चाह रहे थे ना, ये ही है वो सेफ, मेरी नानी खाना बनाती है, हम बता रहे मटर छिमी का खीर बना रही है, फूलगोभी से खट्टा सब्जी बना रहे हैं। आप लोगों को भी खिलाएंगे।
और अभी पूजा का बर्तन धो रहा है, स्माइल देख रहे हो इनका। चलो आमाके एक दिन खा भी हो तुम्हें टॉक बनी। वैसे मेरी नानी सुंदर देखने में है ना, कमेंट्स करके बताना। अभी इनका शादी देंगे हम कुछ दिन बाद, अगर लड़का है तो बताइएगा कमेंट्स पे। ओ बा अभी दीदार बिये देबो। चलो नानी को नहीं छेड़ते, काम कर रही है अभी। और मेरी मम्मी क्या करके दिखाते, ये क्या कर रही है तुम? बहुत आया ब्रश करने वाली। आप क्या कर रहे हैं? दामाद जी आ रहे हैं। मांसू क्या कर रहे हैं? मांसू कोसा दिखाइए कैसे? कोसा 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 के ना पोल्टी, देसी पोल्टी होगी। तो दामाद के लिए अभी चिकन बन रहा है जो कि इधर बन रहा है बच्चा लोगों का, मतलब नहीं ये शायद इलिश मछली कल का बच गया था, ये गरम हो रहा है। और ये चिकन दामाद जी के लिए। और आप क्या कर रहे हो बाबा? ऐसे तो टंग कट जाएगा ना, लग दो। मायरा मुर्गी नहीं है। ओके ओके ठीक है। मुर्गी से इतना डरती है ना, अंदर खड़ी मतलब अंदर मुर्गी नहीं से देखे तो मन पर। और हाँ एक बात बोलना था, आप लोग कोई कमेंट्स मत करना कि एक ही ड्रेस हमेशा पहन के हो, दो दिन से ही पहने हो। क्या है ना मतलब कैसे एक्सप्लेन करें, एक सेकंड रुको। क्या है हम लोग बिहार से कोलकाता आए थे, हम लोग को एक फ़ोन आया था फ्लैट से, आप लोगों को बोले ही थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी से पैकिंग करके मतलब आज कॉल आया, आज रात में पैकिंग किया, सुबह सुबह निकल आए। और हम लोग का यही प्लानिंग था, वो लोग बोले थे कि आप आओ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करो और फिर जो भी प्रोसेस है उसके बारे में बात करना था। हम लोगों को लगा नॉर्मली बात करना था। हम लोग क्या कि दो दिन का कपड़ा लेके आए हैं, तो दो दिन का बोलते हम जो पहन के आए थे और एक ड्रेस लेके आए थे जो रात में पहन के सोएंगे, एक जो कि है ये। बाबू बोले कि ये लेके चल दो, मतलब रात में तुम कंफर्टेबल रहोगी इसको पहन के, बहुत लूज है ना, तो इसलिए हम लोग ठीक है। और एक एक्स्ट्रा जो शिवरात्रि में पहने थे वो सूट हम ले लिए थे। क्यों लिए? क्योंकि हमको लगा अगर एक, हम लोग का प्लानिंग था एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन हमको लगा अगर दो दिन होगा तो शिवरात्रि मेरा छूट जाएगा, और स्पेशली वो सूट हम शिवरात्रि के लिए बिहार में करेंगे तो बनाए थे। तो हम सोचे थे हमको लगा खुद से कि एक दिन नहीं भी होगा तो दो दिन हो सकता है, तो हम वो वाला एक्स्ट्रा सूट लाए थे ठीक है। अब क्या हुआ शिवरात्रि अच्छा हुआ कि हो गया यहाँ पे, जब हम लोग फ्लैट में बात करने गए थे तब उन्होंने बोला कि ये जो प्रोसेस है फ्लैट हैंडओवर का अभी टाइम लेके होगा, 15 दिन ऐसे टाइम लेके होगा। पूछो ना मायरे वीडियो बना अच्छी, मायरा नहा के आई है तो प्रोसेस लगेगा ठीक है। तो हम बोले 15 दिन का टाइम, अब हम तो चौंक गए कि 2 दिन का कपड़ा हम लेके आए हैं कैसे होगा क्या। तो फिर बाबू गए हैं बिहार, परसों ही गए थे और आज बाबू आ रहे हैं बिहार से मेरा कपड़ा बाबू वगैरह सब कुछ लेके, नहीं तो हम बस एक कपड़ा लेके आए हैं, एक तो पहन के आए वो कहीं आने जाने के लिए हम आए पहन के, फिर कहीं जाने वाने के लिए रखे हुए हैं, और ये ड्रेस हम घर में पहनने के लिए मतलब लाए थे कम्फर्टेबल होगा, और बस वो शिवरात्रि वाला ड्रेस ही। 3 ड्रेस मेरे पास है अभी, और वो दोनों जो ड्रेस है ना शिवरात्रि और जो पहन के आए थे वो पहन के, एक सेकेंड मेरा सिस्टर फोन करे, वो पहन के तो हम रह नहीं सकते क्योंकि वो जो सूट है ना पूरा फिट वाला सूट है, उसको पहन के कंफर्टेबल नहीं होंगे, और घर पे रहे ऐसे टाइट फिटिंग कुछ पहन के रहे एकदम हम तो रह ही नहीं पाते, आप लोगों को पता ही होगा हम तो पहले एकदम 90 में ही ब्लॉग बनाते थे, 90 पे रहते थे, बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो डांट डांट के आदत मेरा सुधारा, उसके बाद नहीं रह पाते। उसके बाद यहाँ पे आए हैं तो कपड़ा लेके नहीं आए, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मम्मी का 90 पहन रहा है तो मम्मी का आप लोगों को पता है हम शॉर्ट्स 90 नहीं पहनते इतना दूर वाला, और मम्मी जितना पहनती है हाफ 90 पहनती है, मेरा ये वाला ज़्यादा के कारण ना हम मेरा नाइट अब बहन फ़ोन कर रहे हैं बार बार, तो इसलिए हम 90 नहीं मम्मी का नहीं पहनते, लेकिन फिर भी मजबूरी में हमको पहनना पड़ा था तो पहने। मम्मी मेरा घर से इतना फ़ोन आ रहा ना क्या क्या बताएं, इतना शॉर्ट हो रहा था कि हमको भी अजीब लग रहा था। तो फिर बाबू को हम बोले कि बाबू आप जाओ आप मेरा कपड़ा लेके आइएगा, आप बाबू खुद भी अपने के लिए एक ही ड्रेस लाए थे, एक पहन के थे एक लेके आए थे, हम तो बुद्धि करके शिवरात्रि वाला घुसा लेते, नहीं तो हमको नहीं पता हम शिवरात्रि में भी क्या पहनते, क्योंकि मम्मी का ब्लाउज हमको होता नहीं है,
तो यही बोलना था, नहीं तो हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कमेंट तो अभी तक खोले नहीं, टाइम ही नहीं मिला यहाँ पे हमको, क्योंकि तीन तीन आईडी संभालना पड़ रहा है। हम लोग देख ही रहे, तीन आईडी पे हम ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एक आईडी कभी कभी छूट भी रहा है, शॉर्ट्स वगैरह हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम आप लोगों का कॉमेंट्स नहीं पढ़ पाए। लेकिन मेरा जो सेंस बोला कि शायद ऐसे कॉमेंट्स आ सकते हैं, नेगेटिव कॉमेंट करने वाले तो बहुत लोग हैं कि एक ही ड्रेस बार बार पहने हो, मजबूरी में पहने हैं, आज ही बाबू आएंगे कपड़ा वगैरह लेके। तो चलो आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म किया जाए, फिर 15 दिन बाद हम जाएंगे अपना घर। उसके बाद परसों, आज अभी मम्मी थोड़ी देर पहले ना मम्मी को फ़ोन किए थे, मम्मी से बहुत देर तक बात किए, तो बहुत सारा शॉपिंग भी इधर से करना है, शॉपिंग बोलते ना होली का शॉपिंग, जो आप लोगों को पता ही है ना होली में हम लोग नया नया कपड़ा, मतलब वहाँ पे वहाँ का होली कुछ अलग ही होता है। हमको अगर आप पूछोगे ना कि आपको बिहार का होली पसंद है कि बंगाल का, तो हम बोलेंगे हमको बिहार का होली पसंद है। वहाँ का जो होली खेलने का जो ये है ना, हमको वो बहुत पसंद है। हम यहाँ पे हमको सब बोल रहे कि होली में रहोगे ना, बोले नहीं भाई होली में हम बिहार में ही रहेंगे ना। फिर मायरा को यहाँ पे स्कूल में भर्ती वगैरह कर देंगे तब हमको नहीं पता, अगर होली में तो यहाँ पे छुट्टी मिलता ही है, लेकिन एक दिन का छुट्टी, लेकिन फिर भी हम होली पे यहाँ पे मायरा का स्कूल बंद करके तो अपना बिहार में ही जाने वाले, क्योंकि बिहार का होली औसम होता है। तो वही लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग, परसों हम और मम्मी जाएंगे निकलेंगे क्योंकि पता नहीं फ्लैट का काम कब खत्म हो जाएगा, कब फिर हम लोग को जाना पड़े बिहार, तो उसके इसलिए पहले से हम लोग करके रखेंगे। और कान्हा के, कान्हा जी है जो कि मम्मी हमेशा सेवा करती है हम लोग का, कान्हा जी का, तो कान्हा जी के लिए भी कुछ कपड़ा लेके जाना है होली में नया नया। और मेरी मम्मी यहाँ पे तो होली मत पूछो, यहाँ पे कोई न्यू ड्रेस पहन के होली नहीं खेलता, यहाँ पे क्या करते हैं ऐसे कोई फटा हुआ नाइटी पहन लेते हैं, मतलब जो कि लगता है कि हाँ इसको फेंकेंगे, इसको नहीं पहनना, उसको पहन के एकदम होली खेलता है। यहाँ का होली अलग लेवल का होता है, मतलब हम उसकी शादी से होली का कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ का होली इसलिए पता नहीं है ना, सब घर में घुस के वगैरह रंग लगाते हैं और बहुत गंदा कपड़ा वपड़ा फाड़ा फाड़ी हो जाता है, लेकिन बिहार में भी शायद ऐसा होता होगा, लेकिन हम नहीं देखे। हम जितना वहाँ पे होली के लिए हमको वहाँ पे मजा आता। तो चलो आज के लिए बाय बाय करते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कल एक अच्छा ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जितना भी हो फैमिली के ब्लॉग है, फैमिली के साथ करने का कोशिश के प्लीज यार सपोर्ट करना, फैमिली के साथ शेयर कर देना मेरा ये चैनल को। बाय बाय कर दो, मुंह में उंगली छोड़ के अब फ्लाइंग किसी दे दे, बाय बाय कर दो, बाय बाय।